चलिए दोस्तों लेके आ गया हूँ अपने रियलमी का वायरलेस माउस साइलेंट, इसका नाम है। और दोस्तों ये सही में काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन क्योंकि हम बिके हुए नहीं हैं, हमारी चैनल की वीडियो क्या कहते हैं उसे जो भी है, हमें माउस रिव्यू के लिए नहीं मिला है, हमने खुद खरीदा है, इसलिए आपको पूरा असली रिव्यू आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों क्या इसके प्रोज हैं और सारे कॉन्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आ रहे हो। रोज़ वीडियो देता हूँ, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई आप लोगों के लिए 1000 सब्सक्राइब कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना लोग मुझसे कहते हैं भाई तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही, क्या बात आजकल। मैं कहता हूँ भाई मैं तो रोज़ डाल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं मिलने में क्या करूँ। तो इसलिए बेल आइकन दबाइए, ऑल करिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। साथ ही दोस्तों इसके बारे में आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करें बिना जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। So I'm just here to tell you why it is what it is। तो हम बात करें रियलमी वायरलेस माउस साइलेंट की, इसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाती है 799 रुपीज, अराउंड 800 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगी इसे रियलमी स्टोर पे। तो 850-850 रुपये में आपको 700 रुपये में एवरेजली 800 रुपये में आपको माउस देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं अगर हम इस माउस की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि इसके अंदर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है 800 से लेकर 1600 DPI की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साइलेंट टच कंट्रोल्स हैं और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन वगैरह है। तो बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद करे बिना सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करते हैं रियलमी का वायरलेस माउस साइलेंट और देखते हैं ऐसे क्या खास चीज़ें इसके अंदर। और बाकी मैं आपको एक बार बताऊँ, अपनी वीडियो में पहली बार कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, इन हैंड फील्ड। मैं बहुत बार इन हैंड फील्ड जो है काफ़ी बार यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं ये चीज़, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ पहली बार किसी बॉक्स के लिए। इस बॉक्स की इन हैंड फील्ड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और बाकी आप देख सकते हो पूरा काफ़ी अच्छी फिनिशिंग साथ आने वाला बॉक्स है, बिल्कुल प्लेन बॉक्स से ज़्यादा कुछ बकवास नहीं है। रियलमी वायरलेस माउस साइलेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको, यहाँ रियलमी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, कि यहाँ आपको देखने को मिल जाता है साइलेंट टच और बाकी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है एर्गोनॉमिक डिज़ाइन लिखा हुआ। और साथ ही यहाँ भी रियलमी डिज़ाइनिंग है और लोगो है, यहाँ लॉन्ग बैटरी की बैजिंग है और यहाँ साथ ही लिखा हुआ है 800 to 1600 DPI आपको इस माउस के अंदर देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों हम पीछे आएँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी MRP आपको 1299 देखने को मिलती है। एक ही कलर हमें देखने को मिलता है इसके अंदर ब्लैक, येलो वाला भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना में तो ये लॉन्च हो चुका है। दोस्तों अब रियलमी माउस साइलेंट की अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं बॉक्स मैंने एक बार खोला था, मुझे दोस्तों इसके अंदर काफ़ी चीज़ अच्छी लगी है कि इन्होंने बैटरी दी है और ये रियलमी की अल्कलाइन बैटरी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसको हम साइड में रखें और हम बॉक्स की और आगे चीज़ें की तरफ बढ़ें। तो हम बॉक्स खोलें, यहाँ से आप देख सकते हो बॉक्स मुझे इस तरीके का दिखता है। यहाँ से आप बॉक्स खोलोगे आपको एक माउस देखने को मिलेगा और एक बकवास देखने को मिलेगा। वैसे ये बहुत से लोग पढ़ते भी हैं लेकिन इसका मुझे तो कोई काम है नहीं, इसका वारंटी कार्ड आपको इसमें ही देखने को मिल जाता है, खुद से भर कर रख लेना। और बाकी बॉक्स को रखते हैं यहाँ पे और बढ़ते हैं अपने माउस की तरफ। दोस्तों अगर हम माउस की बात करें दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो आपको यहाँ रियलमी की बैटिंग देखने को लोगो देखने को मिल जाता है, ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पीछे आपको एक ये ऑन ऑफ का बटन है, एक ये DPI का बटन है और काफ़ी अच्छी इन एंड फील है, काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ आता है। अगर आप ऐसे अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हो बैठ के तो काफ़ी अच्छी फिनिश रहती है। और जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अभी सुनाता हूँ, इसकी क्लिक्स की आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंटली काम करता है माउस। और बाकी हम इसके अंदर बैटरी डालते हैं और इसे पहले हम यहाँ से खोलें, ये यहाँ से खुल जाता है और यहाँ हमें इसका रिसीवर देखने मिलता है जो हम सीधा हमेशा के लिए लैपटॉप में लगा देंगे, बार बार इसमें निकाल के नहीं रखेंगे माउस में। और बैटरी को हम जल्दी से खोल लेते हैं, ओह बच गए भाई, कैमरे पर आगे लगती सीधा। तो ये रही हमारी बैटरी, तो बैटरी को इंसर्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों इसे अभी इसी में रख देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, लैपटॉप साइड में रखा हुआ है, तो इसे हम लगाते हैं इसके ऊपर। दोस्तों ये लग चुका है मैग्नेटिक है ये कवर जो है, और अब आपके पास यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाता है, हम इसे यहाँ से ऑन कर दें तो आप देख सकते हो हमारा माउस जो है ऑन हो गया। नहीं तो रिसीवर आपका लैपटॉप में लगा होगा तब तक यहाँ लाइट नहीं जलने वाली है। और बाकी इसकी इन हैंड फील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और अगर हम इसमें बैटरी लगा दें तो थोड़ा इसका वेट इसके अंदर आ जाता है
और उसके बावजूद भी काफ़ी लाइट वेट है मेरे पास, वायरलेस माउस है, उसके ना बैटरी नहीं डलती है, लेकिन उसका वेट भी तकरीबन इतना ही होगा। तो देखा जाए तो उस हिसाब से आपका वायरलेस वर्क के हिसाब से, नॉर्मल ऑफिस वर्क के हिसाब से काफ़ी सही माउस है। और मैंने पहले और वायरलेस एक माउस इस्तेमाल किया है, उसका मेरा एक्सपीरियंस यूजिंग का इतना अच्छा नहीं था और ना उसका अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और साथ ही दोस्तों, और इसके अंदर हमें ये DPI का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ से हम इसकी DPI सेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसकी मैं आपको आवाज़ ही सुना देता हूँ क्लिक्स की, इसलिए मैं आपको माइक पास में लिया था, वरना आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो ये हमारा माइक बिल्कुल इसके पास ले आया मैं, कितना साइलेंटली काम करता है। और माइक अगर इतनी दूरी पे होगा जितना मैं लगाया हुआ था, तो आपको आवाज़ भी नहीं आएगी इसकी। आवाज़ आ रही है? मुझे पता है नहीं आ रही होगी। तो आप देख सकते हो माउस सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और हमें कह सकते हैं ये वैल्यू फॉर मनी माउस है। और वहीं आपको रियलमी की बैटरीज इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे कि आपने रियलमी माउस की अनबॉक्सिंग देखी, और अब हम बात करने से कुछ प्रोस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, जैसे मैंने अभी आपको भी दिखाया, और कोई भी ज़्यादा वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी आराम से आप इससे अपना वर्क कर सकते हो। और बाकी बॉक्स पैकेजिंग वगैरह भी मुझे ठीक लगी इसकी। वहीं इसके अंदर हम कलर्स की बात करें दोस्तों, हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है, येलो कलर, और जो कि येलो कलर चाइना में लॉन्च हुआ था इंडिया में, लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है स्टॉक में, और लेकिन उन्होंने दिखा रखा है फोटोज़ में रियलमी वालों ने, ये अभी तक अवेलेबल हुआ है, तो ब्लैक कलर ही है। और बाकी अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, पहले हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं इसकी प्राइस, 800 रुपये में आपको माउस देखने को मिलता है, इससे अच्छे माउस आपको लॉजिटेक में देखने को मिल लेंगे, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, 500 रुपये में देखने मिल लेंगे इससे अच्छे लॉजिटेक कंपनी में। और अगर इसकी प्राइसिंग 600 रुपये होती, क्योंकि उसकी DPI एडजस्टमेंट है 1600 DPI तक, और लाइट वेट भी है और काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी साइलेंट है, मैंने आज तक ऐसे माउस देखे नहीं है, और इसकी प्राइस अगर 600 रुपये होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन 800 रुपये मुझे ये लगता है ज़्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लाइट है, इतना मतलब लाइट लोगों को फील नहीं आएगी ना कि हमने 800 रुपये खर्च करें, लेकिन लाइट वेट होना अच्छी बात है। और अगर आप ऐसे ज़्यादा तक इस्तेमाल करो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा नहीं है कुछ इसकी कनेक्शन में देरी हो। और डिसएडवांटेज में पहली डिसएडवांटेज हो इसकी आपकी प्राइसिंग, और दूसरी अगर डिसएडवांटेज की बात करें, हमने अपना काम करा, बहुत से लोग बार बार अलग अलग सिस्टम पर काम करते हैं, एक लैपटॉप पर काम नहीं करते, एक लैपटॉप वाला बंदा क्या कर रहा है, इसे ज़िंदगी भर लैपटॉप में लगा छोड़ देगा और अपना माउस यहाँ से ऑन ऑफ करता रहेगा सुबह उठ के, तब भी उसे अपना काम है और तब से ख़राब होगा चेंज कर लेगा। लेकिन जिसको हर रोज़ अलग काम होता है, अपना माउस लेके घूमता है, उसे बार बार ये चीज़ करनी पड़ेगी, कैप खोलना कैप बंद करना, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बेकार चीज़ है, वो अलग बात है, काफ़ी अच्छी कन्वीनियंट के साथ इन्होंने दिया है, मैग्नेटिक है, आराम से लग जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने सोचा रियलमी वालों ने, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है, हम रोज़ इसे ऐसे खोलें निकालें फिर इसे लगाएं, तो एक वो वाली फीलिंग नहीं आती कि यार यहाँ से खुला हुआ है, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती। अगर ये यहाँ से होता, इसका कोई जुगाड़ नीचे को होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये चीज़ थोड़ी मुझे बुरी लगी। आगे खाने रियलमी माउस के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्त, अगर आपको लेना हो तो सेल वेल में आपको कूपन वूपन लगा के 500-550 का पड़ जाएगा, 600 का पड़ जाएगा आराम से। तो ये था रियलमी का वायरलेस माउस, तो इसके बारे में आप क्या ख्याल है कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये ख़रीदना हो तो मैं इसकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।